সিস্টেমে কোনো সমস্যা নেই, গণনা নির্বিঘ্নেই হবে, কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে ইভিএম। গণনা নিয়ে বিরোধীদের সব দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে জানালো নির্বাচন কমিশন। ফ্রেন্ডস, দিস ইজ ওয়ান অফ দি জেনারেল ইলেকশনস ওয়্যার উই হ্যাভন্ট সিন ভায়োলেন্স। আপকো ইয়াদ হোগা কিস তরিকে কি ভায়োলেন্স হাম দেখতে থে, জেএন্ডকে, এলডব্লিউই এরিয়াজ অফ ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, মণিপুর, ত্রিপুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল। ये इट्स नॉट ए इजी जॉब टू डू इट। इट रिक्वायर्स टू ईयर्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन। एंड आज आपके सामने में रिपोर्ट करने का ये भी पर्पज था कि इन सब इस ये सारा का सारा एफर्ट कहीं खो ना जाए। एंड द एनवायरमेंट एट द पोलिंग स्टेशंस वाज रियली फेस्टिव डिस्पाइट द हीट। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको माने। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकल से जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में ही दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी, कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस, इन अंडर द आईज ऑफ लैक्स एंड लैक्स ऑफ पर्संस ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ऐसी कोई भी, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज एआरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं, बहुत इस पर, जैसे मैंने पहली बार भी बताया था। एंड निदेश का मतलब, हमारे निदेश का मतलब कोई मजाक नहीं है। आपने रिजल्ट देखा, वायलेंस नहीं हुई, सीजर्स हुए, रिपोल्स नहीं हुए। मैंने पहली बार 16 मार्च को ये बात बताई थी अपफ्रंट कि हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए। एंड टुडे आई एम टेलिंग ऐसा हुआ। वी हैव क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 642 मिलियन प्राउड इंडियन वोटर्स। दिस इज ए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द नेशन एज ए होल। 642 ever anywhere in the world in any of the electoral exercise, that's what is the number of voters. And this is just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries, US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India.